भारत देश में रहने वाले हर वो हिंदू को मैं आज एक संदेश देना चाहूंगा। कश्मीर में जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश के सैनिकों पर जो कश्मीरी मुसलमानों द्वारा जो पत्थर मारा जा रहा है, उन पर जो हमला किया जा रहा है हमारे भारत देश के सैनिकों पर, उन आतंकवादियों को जिस प्रकार से कश्मीर में सहयोग जो किया जा रहा है, क्या आप लोग इस चीज का बदला लेना चाहोगे? सिर्फ भारत देश की सेना ही नहीं मेरे भाइयों जो हमारे देश की रक्षा कर सकती है, अगर भारत देश का हर वो नौजवान एक अगर संकल्प लेकर अगर आगे बढ़े कि हां कश्मीर में जो मेरे सैनिकों पर जो हमला हो रहा है ये हमला रुकना चाहिए, हमारे सैनिकों का बदला हमें लेना चाहिए, अगर हर वो अगर भारतवासी अगर ऐसा सोचता है तो एक छोटी सी निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं। कोई भी जैसे अभी ये मई एवं जून जुलाई ये दो महीने तीन महीने तकरीबन छुट्टियों का अवसर होता है मेरे भाई, और तकरीबन फैमिलीज घूमने के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोई भी भाई बंधु बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ जाएगा, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक रुपए की चीज भी उन गद्दार कश्मीरी मुसलमानों से ना खरीदे। और वो दर्शन करने के बाद में जो श्रीनगर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, मैं उन सभी हिंदू भाई बंधुओं से भारतवासियों से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक रुपए की चीज भी उन गद्दार मुसलमानों से ना खरीदे जो कश्मीर में हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते हैं, उन पर हमला करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये छोटा सा अभियान, अगर ये छोटी सी चिंगारी अगर हर वो भारतवासी के अगर मन में अगर बच जाए, एक छोटा सा अगर हम प्रयास करें, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये गद्दार हमारे ही पैसे से जीते हैं। हम अगर एक साल दो साल तीन साल चार साल अगर इनके पास से अगर एक रुपए की भी चीज ना खरीदे मेरे भाइयों, ये गद्दार कश्मीरी मुसलमान घुटने टेक कर बोलेंगे कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग कश्मीर नहीं चाहिए, हमें भारत देश में रहना है। ऐसे उनके घुटने टेक कर ये लोग क्षमा मांगेंगे मेरे भाइयों। क्या आप नहीं चाहेंगे कि कश्मीर तो हमारे सर का ताज है, कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर के लिए हम मर भी सकते हैं, कश्मीर के लिए हम किसी को मार भी सकते हैं। ये भावना हर वो भारतवासी में होनी चाहिए मेरे भाइयों। अगर मैं जितने भी बातें आपको मैंने कहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे, अगर इन गद्दारों के पास से अगर आप एक रुपए की चीज नहीं खरीदेंगे मेरे भाइयों, आने वाले समय में जो मैंने बात कही है कि गद्दार घुटने टेक कर क्षमा मांगेंगे और भारत देश में रहने की बात करेंगे, जो अलग कश्मीर के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग नहीं लड़ेंगे, और आतंकवाद को जो ये लोग सपोर्ट कर रहे, आने वाले समय में आतंकवादियों का भी ये लोग सहयोग नहीं करेंगे मेरे भाइयों। ये छोटी सी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम सबका है, कश्मीर भारत देश का सर का ताज है, इसे हम गवा नहीं सकते। कश्मीर हिंदुस्तान का है मेरे भाइयों, कश्मीर हिंदुस्तान में ही रहेगा। लेकिन जो कश्मीर में आतंकवादियों को जो लोग सहयोग कर रहे, इन गद्दारों को जवाब देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूं।